गाइस कैसे हो आप सभी लोग, वेलकम बैक टू इन माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक। सो गाइस आज हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक। सो गाइस चलो आज के वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट वाली वीडियो में गाइस मैंने ये सब अपना बेडरूम और इंटीरियर बनाया था अपने हाउस का, तो अभी अपन चलते हैं यहाँ से बाहर। और ये क्या बाहर जैसा है, वैसे मैं स्वागत हो गया यहाँ पर इतने सारे लामा से। अरे यार तुम लोग अब मार ही खाओ, तुम लोग को एक तो इजाजत कौन दिया मेरे घर के बाहर आने के लिए, तू भी मार खा। और भाई तू अलग से नहीं, तू भी मार खाए गए। सो अब ये लोग अपन मार लेते। और भाई तू एक तो बता कौन सी ट्रेड दे रहा है। ओके सो इसकी ट्रेड तो ठीक ठाक है, अब तू भी मार खाए गए क्यों भाई, तू इन लोग का ओनर है। और एक तो ये लोग मारते ही यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है। ठीक है यार अभी बारिश को भी अभी होना था क्या। सो गाइस बहुत दिन हो गया अपन ने एक भी ब्लॉक्स नहीं ब्रेक किया अपने वन ब्लॉक से, क्योंकि अपन बहुत दिन से कुछ ना कुछ तो बिल्ड कर रहे थे। सो गाइस आज अपन अपने जो भी सैंड ब्लॉक्स और इन सबको ब्रेक करते और हर एक ब्लॉक्स को कलेक्ट करते हैं। सो यहाँ पर गाइस एक चेस्ट आ गई है, सो अभी अपन इसको खोल के देखते एक बार। ओके सो देखते क्या है इसमें, लेट्स गो। तो यहाँ पर खोल रहा हूँ, अच्छा मैं बैठा इसलिए खुल रहा ही नहीं है, तो यहाँ पर सब खोलते। ओके गाइस तो इसमें दो TNT ऐसे अपन ले लेते, बहुत सारे ऑटन फ्लैश है, गोल्ड इंगट है और एक आयरन बूट। और गाइस यहाँ पर अकाश सैपलिंग है, एक सेकेंड गाइस इसका मतलब अभी मैं सवाना बायोम बना सकता हूँ। सो लेट्स गो गाइस आज हम लोग बनाने वाले सवाना बायोम। सो चलते फटाफट से अभी अपन अपने चेस्ट रूम में और सब आइटम्स लेकर बनाते अपना सवाना बायोम। और गाइस देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गाइस मेरे पास यहाँ पर अपने बर्च सैपलिंग भी है। सो गाइस मैं फ्यूचर में बर्च फॉरेस्ट की भी बायोम बनाऊंगा। सो गाइस मैंने अभी सब आइटम्स ले लिया है अपने चेस्ट रूम से जो कि हमको अपने सवाना बायोम में लगेगे। और यहाँ पर मैंने बहुत सारे डर्ट भी ले लिया है क्योंकि अभी हमको अपने लैंड को एक्सटेंड भी करने का है। और एक सेकेंड ये क्या है, अरे बाप रे ये क्या 3 हॉर्सेज एक साथ में, पहले का मूव एकदम बाजू में था। अरे एक सेकंड इनको पीछे से कौन मारा, अरे बाप रे ज़ॉम्बी आ रहे, अभी तो फुल गोल्ड के आर्मर में, अबे कितना लेगा मरने के लिए। और ये तो हॉर्सेज कैसे दिख रहे, वो सांप होते ना 3 मूव वाले वैसे दिख रहे। ठीक है गाइस अभी अपन इन सबको छोड़ते या सब में एक तो हर एक अपने लीव्स और इनको तोड़ता हूं और अपन अपने या सब अपने लैंड को एक्सटेंड करते हैं। ओके सो गाइस या सब मैंने देखो अपनी हर एक लीव्स को हटा दिया है। सो अभी मैं लेता हूं या सब अपनी डर्ट और अभी अपन गाइस या सब अपनी लैंड को एक्सटेंड कर लेते हैं। सो आई थिंक सो गाइस अब रात ही हो चुकी है, तो लेट्स गो अभी अपन यहाँ से चलते अपने घर की तरफ और उधर सो जाते हैं। सामने मेरे को एक हॉर्स दिख रहा है, पर गाइस देखो यहाँ पर अपने बायोम के एकदम बीचों बीच यहाँ पर एकदम अंधेरा है, तो यहाँ पर अपन बाद में टॉर्चेस लगा लेंगे। और ये क्या सामने इतने सारे बापरे क्रीपर और ज़ॉम्बीज, अरे भाई भागो 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 वरना ये लोग भाई इनको मार देंगे। गलती से भी अगर वो फूट गया ना क्रीपर तो भाई अपनी सब मेहनत यहाँ पर बर्बाद हो जाएगी। थोड़ा दूर चले जाते हैं, अब भी वो लोग है कि नहीं, अच्छा ठीक है चलो अब नहीं, अभी अपन शांति से देखो यहाँ से एकदम पतली गली से निकल जाते हैं। लेट्स गो फटाफट से, कोई देखे ना मेरे को बस। ओके अभी तो कोई दिख रहा नहीं है, यहाँ पर भागो भागो फटाफट से जाना पड़ेगा, लेट्स गो। ओके तो सामने एक स्केलेटन बाबू है, तू मार खा ले भाई, तुमको कुछ टच भी नहीं करवाएगा। ओके अभी गाइस आज तो अपन एकदम मिल्खा सिंह जैसे भाग रहे हो। ओके तो यहाँ पर अपना घर आ चुका है, फटाफट से खोलो, प्रेशर प्लेट से अपना से बंद हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर आ चुका और अभी अपन यहाँ पर सो जाते हैं। The next morning. ओके सो यहाँ पर हो चुकी है सुबह, तो अभी अपन अपना कर लेते ब्रेकफास्ट। तो ये ब्रेकफास्ट में अपने पास मेलन है, तो अपन मेलन खा लेते हैं। और गाइस मैं अभी आपको सीधा मिलता हूँ अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे, एक सेकंड कंस्ट्रक्शन साइट थोड़ी है वो, अरे यार जो भी है ठीक है अपन वहाँ पर मिलता हूँ आपको। ओके सो मैं यहाँ पर पहुंच चुका और देखो अभी कुछ ऐसा लग रहा है। ओके सो अभी हम चलते अपने लेफ्ट साइड में और यहाँ से भी मैं अभी डर्ट लगाता हूँ और दोनों को एक दूसरे से कंबाइन कर देते हैं। सो यहाँ पर गाइस मैंने बना लिया एक स्क्वायर, सो अभी मेरे को बस इसके पूरे बीच में यहाँ पर सब में डर्ट लगाना है। सो यहाँ पर अभी मैं पूरे बीच में फटाफट से डर्ट को फिल कर देता हूँ। सो यहाँ पर अपना कंप्लीट हो चुका है डर्ट लगा के पूरे एरिया में। सो देखो कितना बड़ा है ये। सो अभी अपन यहाँ से लेते लीव्स और यहाँ पर आगे एक सेकंड लीव से पहले अपन क्यों ना यहाँ पर अपन लेते शवल और यहाँ से गाइस अपन पाथ बनाते हैं फुल एंड तक। ओके सो ये वाला पार्ट अपना हो चुका है शवलिंग करके। सो गाइस देखो ये अपना रास्ता होगा आने जाने का, यहाँ से मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 और फोर्थ पे लगाते अपन शवल, ताकि गाइस ये अपन दोनों बायोम को डिवाइड कर लेगा, एक तो टाइगर और अभी अपन बनाते जो सवाना बायोम। तो सेम टू सेम कर लेते अपने राइट साइड में भी, तो यहाँ पे लगाते अपन फटाफट से शवल कर लेते और सेम टू सेम इसके छोटे से लेफ्ट साइड भी कर लेते। सो कि गाइस देखो यहाँ पर अपने दोनों पाथ बन गए, पर गाइस यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ अपनी दो डर्ट, तो देखो इसका करता 1 2 और इसको ब्रेक करते, ताकि गाइस जब जो अपनी राइट साइड की जो भी ग्रास है वो अपने लेफ्ट साइड में यहाँ पर ग्रो हो जाए। और यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर करते 1 डर्ट 2 डर्ट इनको ब्रेक करते, ताकि यहाँ की भी ग्रास अपने यहाँ पर फैल जाए, वरना गाइस सिर्फ डर्ट अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर मैं काउंट कर लेता हूँ, ये हो गया अपना 1 2 3, यहाँ पे लगा लेता अपन एक शवल
और यहाँ पर भी सेम टू सेम। और गाइस यहाँ पर मैं एक लगा देता हूँ डर्ट, ताकि गाइस देखो जो डर्ट है बीच में दोनों शवल के, यहाँ पर मैं लगा रहा है सैपलिंग ताकि मेरे को याद रहे यहाँ पर हम लगाना है सैपलिंग। सो गाइस मैं सेम टू सेम ये पूरे पार्ट में कर लेता हूँ। ये रहा अपना सेकंड लास्ट वन एंड सेकंड। और गाइस इसी के साथ अपना राइट साइड का हो चुका है, तो अब मैं सेम टू सेम अपने लेफ्ट साइड भी कर लेता हूँ। ये रहा अपना फर्स्ट और ये रहा अपना सेकंड। सो गाइस इसी के साथ देखो यहाँ पर मेरा दोनों साइड में कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं यहाँ पर डालना अपनी सैपलिंग कुछ, अब वन आप लगाते हैं सेकेंड। और गाइज अब मैं यहाँ पर सब जगह से सैपलिंग्स लगाता देता हूँ। सो गाइज अब आप समझ गए होंगे कि गाइज यहाँ पर मैं ऐसा शवल का क्यों करा था, ताकि गाइज मेरे को यहाँ पर बीच में याद रहे कि मेरे को सैपलिंग्स यहाँ पर लगानी है, ताकि गाइज एकदम इक्वल रहेगा और एकदम अच्छा लगेगा। ये है अपनी सेकेंड लास्ट सैपलिंग और ये अपनी लास्ट सैपलिंग। सो गाइज देखो एकदम इक्वल सैपलिंग मंगवाई थी, सिर्फ एक ही सैपलिंग बाकी है, तो इसको हम कर लेते हैं स्वाहा। ओके गाइज तो ये चली गई है यहाँ से नीचे। ओके गाइज सैपलिंग तो गई, सैपलिंग को गोली मार दो। मेरे पास अभी चार स्टैक ओक लीव्स है, अभी मैं इनको हाथ में ले लेता हूँ और अभी अपन चलते कॉर्नर में और अभी अपन अपने लीव्स को डाल देते अपने बॉर्डर में कुछ ऐसे, तो फिर इसको अपन अपने चारों साइड डाल देते हैं। ओके सो गाइस यहाँ पर अपना लीव्स लगा के हो चुका है अपने पूरे चारों साइड। सो देखो एकदम अच्छी लग रही है बॉर्डर अपने लीव की। सो अभी मैं यहाँ से लेता हूँ अपने फेंस और कुछ टॉर्चेस, अपन फेंस को लगाते कुछ यहाँ पर काउंट करके। सो ये था अपना फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड थर्ड और फोर्थ पे लगाते अपनी फेंस, और यहाँ पर मेरे को ऊपर टॉर्च भी लगानी है तो यहाँ पर टॉर्च भी लगा देता हूँ। सो ठीक है गाइस अभी अपन ये अपनी लाइटिंग अपने चारों साइड कर लेते हैं हर एक लीव्स के ऊपर। सो यहाँ पर मेरा फेंस के ऊपर टॉर्चेस लगा के भी कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस देखो एकदम चारों बाजू एकदम परफेक्ट लगाई है मैंने काउंट करके। सो अभी सिर्फ बारी है तो अपने ट्रीज की ग्रो होने की, और फिर गाइस अपना सवाना व्यायाम कंप्लीट हो जाएगा। सो अभी अपन वेट करते हैं ये लोग कब ग्रो होते हैं। 2000 years later. बहुत देर के बाद गाइस अपना सवाना बायोम रेडी है। गाइस ट्रीज को तो इतना टाइम लगा था ग्रो होने पे, पर गाइस ग्रास को फैलने में बहुत टाइम लगा था। सो गाइस देखो ये रहे अपनी सवाना बायोम। सो गाइस देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एक रास्ता दिखेगा। सो गाइस यहाँ पर अपन फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो बनाएंगे, पर गाइस देखो ये अपना सवाना बायोम तो गाइस देखो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर अपने सब अकाशिया के ट्रीज है, कितने अच्छे लग रहे हैं, सब कुछ एकदम इक्वल एकदम एग्जैक्टली ग्रो हुआ है। और गाइस देखो यहाँ पर मैंने नीचे बोन मिल भी डाला था, ताकि गाइस यहाँ पर फ्लावर्स और ग्रास आ जाए, ताकि गाइस थोड़ा सा और नेचुरल लगेगा। यहाँ से चलते अपन अंदर। सो गाइस देखो सबसे पहले यहाँ पर अपन को दिखेगी अपनी फॉरेस्ट की बायोम, सेकंड बायोम पर अपन को दिखेगी अपनी टाइगर बायोम, और गाइस थर्ड बायोम जो आज अपन ने अभी बनाई है। सो गाइस देखो ये रही अपनी सवाना बायोम। सो गाइस विद दिस सेट लेट्स सी द प्रीव्यू ऑफ आवर सवाना बायोम। सो ओके गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना। अगर आपको आज की वीडियो में मजा आया तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय। शीप यार प्लीज यार हट जाना यार, अरे यार कान में बाद में बोलना यार प्लीज, एंडिंग करने दे यार प्लीज यार, चली जाना। ओके यार शीप अच्छी है चली गई। ओके गाइज गुड बाय।